हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल GSML Pro। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सैमसंग J5 का गूगल वेरिफिकेशन कोड किस तरह बाईपास किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आप अपना वाईफाई कनेक्ट कीजिए, जैसा कि तालबल बुराक के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। और कीजिए नेक्स्ट, दबाइए नेक्स्ट किया, एग्री। और ये लीजिए, वेरीफाई योर अकाउंट, दिस डिवाइस वॉज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद गूगल अकाउंट दैट वॉज प्रीवियसली सीन ऑन दिस डिवाइस। वही अकाउंट बताएं, और अगर नहीं है तो आप इसको बाईपास कीजिए। बाईपास करने के लिए साइट से गूगल से डाउनलोड कीजिए और अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको खोलें। खोलने के बाद आप सिंपली अपने मोबाइल को USB डेटा केबल की मदद से कनेक्ट कीजिए। ये देखिए, ये USB डाटा केबल, एक साइड मैंने लैपटॉप को लगाई और दूसरी साइड सेट को लगाई। लगाने का मकसद यह है कि आपके सेट के ऊपर गूगल क्रोम आ जाए, जिसके ज़रिए आप इसको बाईपास करेंगे। कुछ लम्हे वेट कीजिए और ये देखिए, ये गूगल क्रोम आ गया, क्लिक किया और बाकी का प्रोसेस आपके मोबाइल के ऊपर ही होगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नो थैंक्स। और यहाँ पर इस सर्च बार में आप लिखेंगे, एक लिंक देंगे आप https /GOO.GL/B(LAK7RV)। ये देखिए, गौर से देख लीजिए, इस लिंक को आप सिंपली गो कर लीजिए। लिखने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे वन ड्राइव पे। यहाँ से आपको क्विक शॉर्टकट लेकर एप्लीकेशन मिलेगी, जो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, अल्ब्रा क्विक शॉर्टकट लेकर अवेलेबल है यहाँ पे, इस लिंक पे। सिंपली आप इसको ओके दबाएं और ये देखिए, डाउनलोड होना शुरू होगी आपके मोबाइल में। इसको डाउनलोड करने के बाद आप फिर से उसी सर्च बार में वापस जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सैमसंग एप्स और इसको क्लिक किया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होने के बाद इस लिंक को दबा दीजिए। एक बार फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और इस सैमसंग एप्स को दबाइए। और यहां पर आप लिखेंगे ES फाइल एक्सप्लोरर और इसको क्लिक कीजिए। पहली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। ES फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको साइन इन होना होगा, सैमसंग अकाउंट देना होगा। अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट में जाके फेसबुक के साथ लॉगिन हो सकते हैं या अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। मेरा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी है तो मैं उसके साथ इसको साइन इन करूँगा, अलबुराक @gmail.com। और नीचे अपना पासवर्ड दूंगा और उसके बाद साइन किया, साइंड इन। और ये देखिए, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो ES फाइल एक्सप्लोरर आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो गया।
after downloading it is installing in your mobile और कुछ पल बाद राइट साइड पे एक प्ले का बटन बनेगा ये देखिए इस प्ले वाले बटन को क्लिक करें और तीन बार क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे डाउनलोड में चले जाएं और ये वो एप्लीकेशन है कुछ जो कुछ समय पहले आपने इंस्टॉल की डाउनलोड की इसको इंस्टॉल कर लीजिए अननोन सोर्स को इनेबल कर दीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कीजिए और इस सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर गूगल अकाउंट और ये देखिए इस गूगल अकाउंट मैनेजर को आप ओपन कीजिए यहाँ पे आप तलाश करेंगे टाइप ईमेल एंड पासवर्ड वाला लाइन ये देखिए जैसा कि आपको गौर से दिखा सकता हूँ टाइप ईमेल एंड पासवर्ड इसको क्लिक किया और यहाँ पर ट्राई के बटन को दबाने के बाद राइट साइड पे थ्री डॉट्स को क्लिक करके ब्रो साइन इन कीजिए और यहाँ पर आप किसी भी अकाउंट के साथ लॉग इन हो सकते हैं जैसा कि मैं अपना अकाउंट देने जा रहा हूँ अलपुराग नेक्स्ट किया और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिर से नेक्स्ट किया साइन इन और साइन इन दिस कैन टेक अ फ्यू मिनट्स जस्ट वेट और यहाँ पर आप सिंपली अपने मोबाइल को पावर बटन की मदद के साथ रीस्टार्ट कर लेंगे ये देखिए मैंने रीस्टार्ट किया सैमसंग गैलेक्सी J5 किसी भी मॉडल सैमसंग का कोई भी मॉडल अगर आप बाईपास करना जा रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके गूगल क्रोम में जाना होगा उसके मुख्तलिफ तरीके हैं रियल टर्म के साथ जा सकते हैं साइड सीन जैसा कि आप जो वे देख रहे हैं उसके साथ जा सकते हैं उसके बाद आप यही लिंक देके क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और बाकी का वही तरीका जो आप देख पा रहे हैं चेकिंग कनेक्शन स्टार्टअप विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम आप चला रहे हैं अपने सेट को बाईपास करने के बाद checking connection this can take और ये देखिए अकाउंट एडिट आपने जो अभी अकाउंट दिया है वो ऐड हो चुका है नेक्स्ट किया और यहाँ पे जो सबका डिवाइस आपने यूज की उसका अगर बैकअप आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं मैं नहीं चाह रहा तो मैं इसको सेटअप एज न्यू डिवाइस करूँगा सेटअप एज न्यू डिवाइस किया और डन दबा दिया नेक्स्ट किया स्किप एनीवे मोर मोर और नेक्स्ट और यहाँ पे लेटर और फाइनली फिनिश ये देखिए आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे आ चुके हैं यहाँ पे मैं सेटिंग में जाकर आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन और मॉडल और सिक्योरिटी पैच लेवल शो करवाता हूँ ये देखिए गैलेक्सी J5 है J500H एंड्रॉयड वर्जन है 5.1.1 और सिक्योरिटी पैच लेवल है 2016501 तो चलिए आप इसको बैकअप एंड रीसेट कर दीजिए ताकि आपके अकाउंट्स लगाए हुए आप फॉर्मेट कर सकें रीसेट डिवाइस कीजिए इरेज एवरीथिंग और ये देखिए आपका मोबाइल कंप्लीटली तौर पे बाईपास हुआ रीसेट हुआ अभी कुछ लम्हे आप वेट कीजिए ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी J5 को आपने कामयाबी के साथ उसका गूगल अकाउंट बाईपास किया साइड सिंक मेथड के साथ आप इसका स्टार्टअप विजिट चलाएं नेक्स्ट किया
अब वाईफाई को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नेट जा सकते हैं। फिनिश करने के बाद आप अपने बाइक के डेस्कटॉप पर आ चुके हैं।